आर डूइंग वेल। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं घूमने। सॉरी यार मैं जा रही हूँ, मुझे बाय बाय भी नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ, चल बाय कर दे, बाय। सॉरी चलो सोने। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ लखनऊ और मस्ती करने फुल ऑन। आप भी इसी ब्लॉग में बने रहिए। ये हमारी फ्रूटी हमें छोड़ने जा रही है आज। फ्रूटी नहीं जा रही है। सो गाइस मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। इस बार हमारे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे मेरे साथ मेरे दोनों भाई और मेरी बुआ लोग। तो फुल ऑन मस्ती होने वाली है, पूरा देखना ब्लॉग का। ये हमारी मम्मी है। मम्मी हम जा रहे हैं, पुच्छा कर दो। सो गाइज मैं अभी ले रही हूँ दीदी को और दीदी जा रही है, फिर ये खुद ही संभालेंगी कैमरा या तो कोई और संभालेगा, मैं नहीं संभालूंगी। गाइज मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो मैंने ना लोअर टी शर्ट ही पहना है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होता है। ये क्या लेट पे लेट करे जा रहे हैं बहुत ज्यादा। मम्मी गुस्सा हो रही है, फोन पे कॉल पे कॉल आ रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइज, देख सकते हैं आप। ये बहुत छोटी सी है रियल लाइफ में। टाटा सी यू गाइज। अब दीदी हैंडल करते हुए मिलेंगी कैमरा, मैं नहीं मिलूंगी। बाय बाय, जाओ बाय। यो सो गाइज हम चलते हैं अभी ट्रेन में बैठ के, मिलते हैं। यो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं मुरादाबाद के स्टेशन। गाइज हमारे मुरादाबाद का स्टेशन। गैंग मेरे साथ जा रही है, सब लोग छोड़ने आए मेरे को। मैं बोझ उठाती थी, काश मुझे बोझ उठाने वाला कोई मिल जाए जो मेरा सामान उठा सके और मैं आराम से मस्त चल सकूं। गाइस आशी फ्रूटी की जगह आपको आशी फ्रूटी देखने के लिए मिलेंगी। बेचारे का दिल टूट रहा, बोली जा रहा। गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है फाइनली, अभी हम लोग चलते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं लखनऊ। यो यो मेरे दो दो बॉडीगार्ड ये। गाइस अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, जल्दी से चलते हैं। दीदी ले रही टिकट। हमें आपका स्वागत है। मैं आपकी ट्रेन भी आ गई। संजड़िया बन गई और दे दो मुझे। अकॉर्डिंग टू दिल्ली बहुत अच्छी यहाँ की मेट्रो गाइस। भीड़ भी नहीं है और बहुत ज्यादा साफ सुथरी है एकदम। ये आए और हमारे फूफा है हमें लेने के लिए, पैर छू रहा है वो। घर बुआ जी का और वो भौंक रहा है ऊपर से। मैं पहली बार से मिलूंगी, मेरे को डर लग रहा है। दोस्ती हो रही है इससे हमारी। ये हमारे फूफा जी का एक लौता वारिस है, मतलब दो भाई हमारे, पर फूफा जी सबसे ज्यादा प्यार इसको करते हैं, इसका नाम बक्की। सो गाइस सब लोग अभी आराम कर रहे हैं यहाँ पर। सिमरन हाय, क्या कर रही हो तुम, मेरे को पासवर्ड दे रही हो? बुआ क्या कर रही हो आप? एक ही ब्लॉग में आई थी या दो ब्लॉग में, और हमारी बुआ आ चुकी है और हम बहुत खुश हैं आज बुआ के घर आके। मतलब 8-9 साल बाद आई हूँ बुआ के घर, बड़ी बुआ के घर जो है लखनऊ में। ये मेरे भाई ने कितने प्यारे प्यारे टैटूज करवा रखे हैं। माय गॉड, ये तो सीरियसली बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मैप है बिलीव कुछ ज्यादा। ओ भाई कुछ ज्यादा योग है कर्मा, इधर कोई लाइन है बिलीव। सीरियसली मेरी बक्की से दोस्ती हो गई, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है पर ठीक है, थोड़ा भौंक रहा है पर अब वो जान गया है। हेलो सो क्यूट। और यहाँ हमारी बुआ बना रही है चाय। बुआ चाय बना रही हूँ मेहमान के लिए। बुआ कह रही है 7-8 साल बाद आई ला तेरी खातिरदारी करूँ। बुआ मुझे पहले से ही सॉफ्ट खिला रही है, अभी खाना वाना नहीं खाया पर हम पहले से ही सॉफ्ट के मजे ले लेते हैं। गोइस नहीं मेरा भाई, तू खा ले, कुछ नहीं छोड़ेंगे आज बुआ की किचन में। गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठे पानी के बताशे, अगर किसी को खाने तो आप खा सकते हो। लखनऊ मुझे बोलना भी नहीं आ रहा मुरादाबाद वालों को। मेरे डिलीशियस ये बन चुके हैं, मैंने इसमें सब कुछ अच्छे से फिल कर दिया। अब मुझे छोटे बर्तन का बहुत शौक है, इसलिए बुआ मैंने छोटे कप निकाली। बुआ मुझे इसमें चाय दो प्लीज। ओ कितना क्यूट लग रहा है, इतना छोटा सा ये, मेरे हाथ इतना छोटा है देख सकते हैं, बहुत ही पुन्ना सा ये। मुझे इसमें चाय मिलेगी। अब मैं व्यस्त है छोरी। ऐसे हमारे बड़े फूफा है जो हमारे ब्लॉग में आए नहीं थे, फर्स्ट टाइम आए हमारे ब्लॉग में। लखनऊ वाले फूफा। और यहाँ पे चल रहा है चाय नाश्ता और सब लोग छोटे वाले ही कप में चाय पी रहे हैं। और ये नाश्ते में बुआ ने बहुत सारी चीज़ें रखी है और गुजिया वगैरह भी आ चुकी है गाइस। और ये मज़े ले रहे हैं यहाँ पे और हमारा बक्की, हमारी दोस्ती हो चुकी है फाइनली। हम लोग हो चुके हैं रेडी, रात का बज रहा है 8। हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ी मस्ती करने घूमने। ये हो चुकी मैडम रेडी, इधर देखो और भैया कर रहे काम, वो भी सलाम पोजिशन में गाइस पड़ा हुआ है। बाय बाय भाई। यो गाइज हम रात में आए हैं यहाँ पे भूतनाथ मार्केट घूमने लखनऊ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी छोटे छोटे समोसे बना रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। हमारे मुरादाबाद में नहीं मिलते पर मैंने यहाँ पे देखे हैं। और ये फूलों वाली मार्केट, अभी चलते हैं अंदर बर्फ का गोला खाने। मैं स्पेशली भूतनाथ आई हूँ आज। हम नाइट में यहाँ घूम रहे हैं। मैं लवली सिस्टर आशी फ्रूटी नहीं है बट यहाँ पे आपको सिमरन देखने के लिए मिलेगी। और लखनऊ में घूम रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी वाइब आ रही है। हमें कैसी लग रही बताना जरूर, मान के टॉप पहना इसका।
बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ, पर जो मजा बहन के कपड़े पहनने में ना, वो मजा किसी चीज में नहीं है। अपने तो पहनते ही रहते हैं, ये हमारे मेहनती गवारती है तो अपने नहीं पहनते, हम इसके पहनते हैं। सारी मार्केट है गाइस, देख सकते हैं आप, चप्पल जूता सब मिलेगा आपको, झूले भी है छोटे छोटे से। किधर जा रहे हैं सिमरन? ये पैंपल है गाइस, यहाँ का चिकन की कुर्तियाँ तो लखनऊ कानपुर आप जाओ आपको ऐसे मिल जाएंगी। गाइस ना हनुमान जी का मंदिर है, काफी अच्छा है, अंदर से भी बहुत अच्छा है, मैं इसके अंदर जा चुकी हूँ बहुत पहले। ये पूरी भूतनाथ की मार्केट काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ ना बर्फ का गोला खाने यहाँ का, मुझे बहुत पसंद है। थोड़े आगे जाके बर्फ का गोला मिलता है, ये पता नहीं कौन सा टॉय है। ओ माय गॉड, डॉग है क्या? ये डॉगी है, डॉगी क्यूट है। ड्रिंक ले रहे हैं, आशी को पसंद है। तो लोग ना गॉगल्स देख रहे थे और मैंने गॉगल्स चूज करे और शीशा लेते ही चलती बनी, चलती बनी मैंने कौन बना रहा है पीछे से देखा और उसका मिरर मेरे हाथ में, मैंने गॉगल्स चेक करा, मिरर मेरे हाथ में था, मैं बहुत आगे तक निकल के उसका मिरर हाथ में लेके आया, मैंने कहा ओ माय गॉड, उसका मिरर लेके अपने हाथ में ही आ गई सीरियसली। फिर मुर्गे इतनी हंसी आई, वो कह रहा मैडम जी आप तो शीशा ही लेके चली गई मेरा जूस कलेक्शन। ये आई गाइस देख सकते हैं आप, कलरफुल गोला कितना यम्मी लग रहा है देखने में, ये मिक्स गोला बहुत कलरफुल लग रहे हैं। गोला खाया था, हम हैंड वॉश करना था तो हम इस मॉल में आ चुके हैं वॉशरूम। गाइस ये देखो कैसे मोटा मोटा की चल रही है, इसका पैन पे टैग लगा है, इसको पता नहीं। ओए रुको एक मिनट, को ऐसे ही रुको 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 पीछे को, ये देखो गाइस मैंने न्यू जींस जल्दी ऐसे पहले टैग ही नहीं निकाला, मैं ऐसे ही टैग निकालना भूल जाती हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं उल्टे कपड़े निकाल लेती हूँ। मेरी बहनें होती है ना वो बताती हैं, अरे दीदी आपने ऐसे पहन लिया, ठीक है मतलब की दुकान अगर वो दोनों होती गाइस तो पूरी दुकान लूट लेती है, मेरा भट्टा बैठवा देती है अच्छा वाला सीरियसली। यानी कहाँ पे लेके आई है मुझे मोमोज खिलाने के लिए, बोल रही है अच्छा देते हैं, तो इन भैया के पास लेके आई मोमोज खिलाने के लिए, हमें अच्छे लग रहे हैं खा के बताते हैं। इसको ही आ रही है इनकी लैंग्वेज समझ है ना, तो फिर क्यों बोल रही है, कैसे बोल रहे हैं आ रहा सारा सारा, और मैंने सामने खड़े होकर इनकी बात बोल रही हूँ आ रहा सारा। अच्छे थोड़े से स्पाइसी है, रूम में थोड़ा तीखा कम खाती है, मज़ा आ गया टेस्ट में, थोड़े स्पाइसी का पर मज़ा आ गया सीरियसली। मुझे नहीं पता, पर मैंने उन भैया से बोला कि भैया मुझे आपके मोमोज बहुत बढ़िया लगे, तो वो बोले कि अच्छा बढ़िया, मैंने कहा यस। भूतनाथ के बाद अभी हम लोग आ गए हैं सत्रह मार्केट, और सत्रह मार्केट से अभी हम टेस्ट करते हैं पानीपुरी, बोल रही है यहाँ के टेस्ट है तो हम इनके खाते हैं। पानीपुरी में पता क्या होता है, बटर डाल के देते हैं ना आई थिंक, और प्याज वगैरह हमारे मुरादाबाद में ऐसे नहीं देते, पर यहाँ के थोड़े डिफरेंट होते, तो मैं जब भी आती हूँ टेस्ट करके जाती हूँ, और ये लोग बाहर फ्लेवर का पानी देते हैं, अब मुरादाबाद में भी मिलने लगा है, पर यहाँ का ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी सारे फ्लेवर होते हैं, तो मैं हर बार ट्राई करती हूँ, खा के तो ज़रूर जाती हूँ। पानीपुरी और ये देखो कितना छोटा सा है, क्यूट सा। अच्छा हेलो, बहुत टेस्टी टेस्टी थे गाइस, आज बहुत स्पाइसी स्पाइसी हो गया, तीखे थे मिर्ची लग गई, पर मज़ा आ गया खा के सीरियसली। रोल खाने जो कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ का रोल कबाब रोल गाइस। आज हमारा चीट डे है और हमारी डाइट गई बाहर में, तो गाइस ये कबाब रोल है लखनऊ का फेमस, काफ़ी यम है। चूँकि आम भी अब निकल लो जल्दी से घर, इससे पहले सुपर बुआ का कॉल आया और डांट पड़े हमारी, और बच्चों के 9:30 सीरियसली अब निकल लो घर जल्दी। यहाँ पे भी इन दोनों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और ये वीडियो कॉल पे जो सही से नहीं दिख रही, हाय फ्रूटी आशिका, आशी को दिखा आशी, हाय। सो गाइस आप ब्लॉग में आ चुकी हो, आ तो गई तुम दोनों, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही है, अब पोज मत बदल, नेटवर्क कट रहे है, ब्लर आ रही है। गुड नाइट, यहाँ पर हो रहा है डिनर, सब लोगों ने डिनर कर लिया, हम लोग ऑलरेडी बाहर से इतना खा के ठूस के आ चुके थे कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, बट अभी हम लोग खाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, ये लोग सो रहे हैं, यहाँ पे सब हम लोगों का सामान फैला हुआ है, बैग वगैरह, और मंदिर की घंटी की आवाज़ आई, मुझे लग रहा है फूफा जी पूजा कर रहे हैं, तो गाइस फूफा जी कर रहे हैं मॉर्निंग, जा बहुत तेज धूप हो रही है गाइस, और ये मॉर्निंग व्यू, इधर का खुफिया रास्ता, इधर भी सब रूम्स हैं और पर इधर कोई नहीं रहता, खाली रहता। मॉर्निंग हो चुकी है और बुआ मेरे लिए कर रही है
पानी गरम। गाइस नहा के हो चुके हैं रेडी, मतलब रेडी क्या, नहा चुके हैं। और ये मेरा अभी तक होली का कलर नहीं निकला है, देखो पिंक शाइन कर रहा है। खाली है हमारी मैडम, सब ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है। अब पिंपल हो रहे हैं जो कि जाते नहीं है। मेरी बहन का रूम है और अभी तैयार नहीं हुआ है, और इधर भाई का रूम है जो कि अभी भी तैयार नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा हो चुका है, पर फर्नीचर नहीं डला है। और ये मेरी बहन नाश्ता करते हुए, ये कुछ ऐसा प्रकार का खाना खाती है हल्का फुल्का, क्योंकि मोटी है, कहती है मैं पतली हो जाऊंगी, अब बिल्कुल पतली हो चुकी है। तो पता नहीं कौन कौन सी ड्रेस निकाल के दे रही है, कुछ ऐसी ड्रेस है आप बताना गाइस अच्छी लगेगी, पर मैं पूरी ढक जाऊंगी। हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने, ठीक है। हम सब लोग हो चुके हैं रेडी घूमी घूमी करने के लिए, लखनऊ की सैर करने के लिए। देखो कैसे पैक होके जा रही है गाइस, ये हमारी बुआ जी का घर, कैमरा में ही नहीं आ पा रहा मेरे गाइस। बुआ जी अभी चंपक कली बन के रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं पता नहीं क्या पहना आज हमारे, और इयररिंग वेयरिंग डाल ली है। पुराना लखनऊ आ चुका है, कचहरी और हाई कोर्ट पीछे से। जादू गाइस जादू, भूल भुलैया हम आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, बट ये आज बंद है क्योंकि आज 21वां रोजा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ अभी आपको फिलहाल। और ये है गाड़ी जिसको घुमाने के लिए बोल रहे हैं, इतनी गर्मी में कुछ बस करनी है भैया लखनऊ कानपुर में, सारी चीजें अच्छी है बस गर्मी बहुत है। मक्खन मलाई लखनऊ की फेमस। अभी अब आ चुके हैं गोल दरवाजा, ये लिखा है नेपाली हवेली चौराहा, और यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। यहाँ ऐसे घर मस्जिद गुम्बद जैसे लखनऊ की पहचान है गाइस। यहाँ पे गोल दरवाजे पे खाने पीने का आइटम बहुत है, हर एक चीज है, बस मुझे ये सब गोली गोल दिखा, दरवाजा कहाँ है वो नहीं दिखा। लखनऊ में पता नहीं नाम कैसे रख देते, भूल भुलैया के अंदर तो जा नहीं पाए बंद है, तो हम भूल भुलैया के पीछे ही घूम रहे हैं इस नींबू पार्क। कैसे कैसे नाम रख देते हैं। प्रचंड तूफानी हवा चल रही है आज, बस बता नहीं सकते। मुरादाबाद वाले लखनऊ आ गए तो बहुत तेज हवा चल गई। अभी हम आए हनुमान धाम जो लखनऊ में काफी प्यारा लग रहा है अंदर से देखने में। यहाँ पे हो रहे हमारे स्लीपर रिमूव, लग रहा है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है पत्थर, वाओ ठंडा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सो गाइस एकदम हरियाली हरियाली है, एकदम वाओ कितनी प्यारी मूर्ति है, साफ सफाई चल रही है गाइस, और बहुत प्यारा मंदिर बना है वो शिव जी के ऊपर, ये हमारे प्यारे गन्नू भगवान। जय हनुमान जी की जय। खूबसूरत दृश्य है आप देख सकते हैं, नज़ारा बहुत सुंदर है एकदम, पानी और यहाँ पे बैठ सकते हो पैर पैर डाल के। ओ वाह झूला भी है, वो लोग झूला झूल डरा दिया बत्तर से कुछ ऐसा, मतलब बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है। अगर आप लखनऊ में आते तो एक बार तो यहाँ पे जरूर ही आके दर्शन करो, शांति मिलेगी और बहुत अच्छा फील होगा आपको। थोड़ा शाम में आ जाना वरना पैर जलेंगे आपके मेरी तरह, बहुत प्यारा लग रहा है। रात में ये पूरा बना हुआ है तो बहुत प्यारा फाउंटेन है ये, तो और प्यारा लगेगा ये रात में। और दिन में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, सब लोग कितने अच्छे से यहाँ पे बैठ के दर्शन कर रहे हैं और विश्राम पोजीशन में। और ये नदी थी जो नाला बन चुकी है, बोटिंग कर रहे हैं। वहाँ से आ चुके हैं गाइस हम निशादगंज, लस्सी पीने यहाँ से। ये पुरानी मार्केट टाइप से है इतना पता नहीं है, पर लस्सी अच्छी मिलती है तो हम लस्सी पीने आ चुके हैं। गर्मी में काफ़ी लोग यहाँ पे लस्सी पी रहे हैं आप देख सकते हैं। तो चुकी खराब कुछ है, गर्मी में बहुत गर्मी है। कैसी लग रही है? अच्छी है, गर्मी में कुछ भी मिल जाए सब अच्छा लगता है सीरियसली। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जूडियो, अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा कलेक्शन है। गाइस कलेक्शन तो बहुत फाड़ू है एकदम मस्त,
काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। मेरे मिल चुके हैं और ये पता नहीं क्या ही कर रही है, बातें कर रही है, बातें बना रही है इनसे, और ये तीनों ऊपर जा रहे हैं मेरे भाई। बाय बाय। मैन में बहुत अच्छा कॉस्मेटिक का सामान मिल रहा है सीरियसली, पर भी बहुत प्यारी प्यारी हैं जो आपको 399 और 299 में मिल जाएंगी। गाइस शूज़ कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत क्यूट क्यूट है। हाँ ये ड्रेसेस भी स्टूडियो वालों ने जीन्स भी नहीं छोड़ी। वाओ ओह माय गॉड, मैंने जब ने मुंह पे मार लिया। देख सकते हो सब कुछ सेल आउट हो चुका है यार, सब कुछ खाली हो जाता है एकदम से, जैसे ही आता है वैसे ही सब गायब। अच्छा यहाँ पे भी ड्रेसेस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, क्यूट क्यूट है एकदम, प्यारी लग रही है सारी। अच्छी कलेक्शन दिखाती हूँ, बॉयज़ देखते हैं मेरी वीडियोज़ तो बॉयज़ का भी काफ़ी अच्छा है। ओह माय गॉड ये तो बहुत प्रिटी लग रही है, सेम सेम ये भी अच्छी लग रही है, सारा कलेक्शन मस्त लग रहा है। ये देखो तो फंकी है सारा कलेक्शन बॉयज़ का, सुपर। ये पहनो और फिर ये इसके साथ ऑसम, और एकदम स्नीकर्स तो मस्त मिल जाएंगे, क्लासी लग रही है गाइस। हेलो गाइस, तो चलिए देखो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गोमती नगर, अभी अंदर चलते हैं और मिलते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। गाइस मिनी शो कितना क्यूट है, चली जा चुकी ऊपर। गाइस ये लोग जा रहे लाइफ स्टाइल, हम जा रहे वहाँ स्टूडियो स्टूडियो। देखते हैं चलते हैं इसमें है क्या। ठीक है चलिए, फुल ऑन फन चल रहा है। अब मैं चंपक्कली बन चुकी हूँ, चुके हैं लड़ते लड़ खड़ाते, गिरते गिरते 5 बार बच चुकी हूँ। सब कुछ 99 में, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। बोटल्स बहुत प्यारी लग रही है, जो 79-71 रुपीज़, बहुत ही प्यारे। सही कुछ गाइज मेरे पास है, कितने प्यारे प्यारे पॉचेज आप देख सकते हैं, एकदम क्यूट क्यूट छोटे। सेम कलेक्शन है जैसे वहाँ पे था जूडियो का, वैसे ही सारा कलेक्शन इस जूडियो का है। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा तो मैं ये ले लेती हूँ, ले लिया मैंने ये। और कपड़े तो भाई बहुत ही है, अभी और देखती हूँ कुछ स्लीपर वगैरह यहाँ से। सो गाइज हमारे यहाँ पर हो रही है बिलिंग, शॉपिंग हो चुकी है डन, अभी चलते हैं और कुछ देखना और कुछ शॉपिंग करनी। गाइस किसी को पीनी है हमको पी। हम आ चुके हैं चटोरी गली, वो देखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही है। मुरादाबाद की तो चटोरी गली सभी ने देखी होगी, आज लखनऊ की चटोरी गली भी देख लो। मोमोज की चटनी और मेयोनीज डाल रहे हैं वो भाई। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे खड़े पराग पे गोमती नगर में दूध पीने के लिए, पराग का दूध एक नंबर है गाइस, बहुत टेस्टी। मैंने पी के खत्म भी कर दिया मेरा अपना बचा, अरे बहुत टेस्टी फ्लेवर है गाइस। देखो सब लोग यहाँ पे हैं, पापा चाचा चाची, ओ चाची भी हैं, मम्मी भी हैं। हाय मम्मी, हाय कर रही है चाची, आ रही चाची कह रही हाय हाय चाचा, पापा हाय। लिपस्टिक मत लगा, आशी को दिखा। ले मोमो खिलाए, मजे हुए पी लिया कैसा है। और इनसे वीडियो कॉल पे बात चल रही है मेरी, आशी को दिखा आशी को, ये दूर रहा तेरी पास। आशी हाय कर दो, दे हाय कर रखा है एक्चुअली में, और मैं तो नेचुरल दूती है। व्लॉग एंड करो, हम अपनी बातें करते हैं। और कहां घूमी आई आज? अरे बुआ को पेड़ पौधे का कुछ ज्यादा शौक है, देखो ये कड़ी पत्ता और इतने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं,
बहुत प्यारे से इन्होंने सजा रखा है। हर तरीके का पेड़ मिलेगा आपको यहाँ से वहाँ तक का। इतने मस्त मस्त पेड़ लगा रखे, ऊपर भी लगा रखे इन्होंने काफ़ी सारे। ये देखो वो टमाटर आ रहे हैं किसी की छत पे, देखो कितने सारे, बड़े एडवांस है। अब इस वाली छत पे भी टमाटर आ रही है, वाली छत पे भी टमाटर आ रहे हैं। सब लोगों को पेड़ पौधे का लग रहा है कुछ ज़्यादा ही शौक है यहाँ पर। मैंने ऊपर भी लगा रखे इतने सारे, ये देखो कितना प्यारा, इतना सारा गेंदा आ रहा है। वाह ये तो मेरी फेवरेट है, इसमें फ़ोटोशूट बहुत प्यारा होता है। और कनेर भी आ रहा है, अब फूल भी आ रहा है गाइस। और ये अरे मेरी बुआ की कलाकारी, उन्होंने अमरूद का पेड़ भी लगा दिया अपनी छत पे। और ये कितने सुंदर सुंदर आ रहे हैं, लिली का भी है, कितने प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं। मकोई और ये छोटे छोटे वाले भी हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। सारी चीज़ें, नींबू का भी पेड़ है शायद, धनिया है, देखो धनिया के लिए भांग भांग गई है। तो बुआ ने देखो सारे में पेड़ पौधे ही लगा रखे इधर तक। अरे फ्लैग के सामने छत पर गन्ना ही उगा लिया, पर मैंने भी एक बार पता है भुट्टा उगाया था, मेरा भी एक गार्डन था तो वहाँ पे मैंने भुंटे का पेड़ उगाया था। और ये व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये पूरा लखनऊ गाइस, ये इंदिरा नगर है, इस टाइम मैं इंदिरा नगर में रह रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। और वो मेट्रो स्टेशन है गाइस, स्टेशन दिख रहा है बुआ के छत से। मेरी बुआ के घर के पीछे ये जंगल है, एक बार मैं गई थी और बहुत अच्छा है। देखो पूरे में पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये पूरा जंगल टाइप से पीछे बुआ के घर के, पूरा जंगल है ये। फिर टमाटर आने वाले हैं, सियाली और पेड़ पौधों से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत पसंद है। लो लो हम अपने ब्लॉग पे यहाँ पे करते हैं एंड, और मिलते हैं हम अपने आप को नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बस इसी तरीके से हमारे ब्लॉग देखते रहिए। बाय।